दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर पे तो सब बात करते हैं, बट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे कोई बात नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो 1.5 लाख के नीचे अवेलेबल है उसका डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में से शायद आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल अच्छा लग जाए और आप वो खरीद सकोगे। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो की जो शुरुआत है वो ग्रेविटॉन क्वांटा नाम की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी कर चुकी है। गाइस ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ये बहुत ही जबरदस्त पैमाने पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुकी है। पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और इसमें आपको 160 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है इको मोड में, 110 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है सिटी मोड में, और 85 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है स्पोर्ट्स मोड में। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसने ये रिकॉर्ड किया, आपको दिख जाएगा कि 4011 किलोमीटर उसने कवर किया, 11 स्टेट्स में से वो गया, करीबन 18000 फीट्स का एलिवेशन उन्होंने अचीव किया, और पूरे ट्रिप की कॉस्ट गाइस सिर्फ 400 रुपीस थी। 6.5 दिन में इन्होंने ये बुक कवर किया। बात करते गाइज इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। अगर मैं बोलूं इसमें BLDC हब मोटर मिल जाता है जो IP67 रेटेड है, इसमें डेडिकेटेड आपको ऐप भी मिलेगा, और ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो आपके सामने बन रही है ये बहुत ही जबरदस्त गांव के लिए भी बनी है, ऐसा मैं बोलता हूं, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो आगे रखने के लिए बहुत सारी जगह है। 250 किलोग्राम तक का वेट ये उठा सकती है, तो बहुत ही जबरदस्त ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। चलिए इसका स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं। स्पेसिफिकेशन शीट जब मैं देखता हूं तो यहां पे क्लियर मेंशन किया है कि इसमें 3 किलोवाट वाला मोटर है, 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क है व्हील में, और आपको 80 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, 6 सेकंड्स में 0-40 अचीव करेगा, 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी इसको मिल जाएगी, रेंज है 160 किलोमीटर, और आप इसकी रेंज एक्सटेंड कर सकते हो 320 किलोमीटर तक की आपको रेंज दे सकती है अगर आप एडिशनल बैटरी पैक लगाते हो। तो इसमें आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है जो एक्सपांडेबल है अप टू 6 किलोवाट आवर। अभी अगर इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो यहां पे प्री बुकिंग चालू है, और प्री बुकिंग आप 500 रुपए में कर सकते हो, और यहां पे आपको ऊपर दिख रहा है 1,15,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। तो ये पहला हो गया ग्रेविटॉन मोटर्स का क्वांटा जो कश्मीर टू कन्याकुमारी कर चुका है। कितना? 6.5 दिन में इसको मिल जाता है 160 किलोमीटर का रेंज। दूसरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गाइस, वन ऑफ द टॉप सोल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन इंडिया इज रिवोल्ट RV 400, और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 3 कलर्स में रिवोल्ट RV 400 दिख रहा है। पहला है ब्लैक कलर, दूसरा है रेड ब्लैक, और तीसरा है लगभग व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 3 कलर्स में आपको मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन ये कलर्स है, और इसमें आपको 150 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है जो ARAI सर्टिफाइड है। टू रेंज आपको लगभग 120 किलोमीटर तक का मिल जाएगा। गाइस वीडियो एंड तक देखिएगा, अभी तक दूसरा ही मोटरसाइकिल मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसे और 6 मोटरसाइकिल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो रिवोल्ट RV 400 है 85 km/h का उसको आप में टॉप स्पीड मिल जाएगा, और डिटेल्स में अगर उसके देखूं तो इसमें बहुत ही जबरदस्त आपको जो इको मोड है वो 45 km/h तक का टॉप स्पीड देता है, 150 किलोमीटर की रेंज देता है, नॉर्मल मोड में 65 का टॉप स्पीड है, 100 किलोमीटर की रेंज है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको 85 का टॉप स्पीड है, 80 किलोमीटर तक की रेंज है। जब मैं और कुछ स्पेसिफिकेशन देखने की कोशिश करता हूं तो 17 इंच के इसमें व्हील मिल जाते हैं आपको। बैटरी जो है ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक है इसका, 6 साल की इसमें वारंटी है, और 3.24 किलोवाट का बैटरी पैक है। मिड ड्राइव मोटर है 3 किलोवाट की, और इसका वेट है 108 किलोग्राम, ये लगभग 150 किलोग्राम तक का वेट लेके जा सकता है, और यहां पे वारंटी देखो आप 5 साल या 75,000 किलोमीटर तक की इसकी वारंटी है। किसकी? प्रोडक्ट की। और अगर मैं बैटरी की वारंटी आपको दिखाओ गाइज, कौन सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल इतनी वारंटी नहीं देता। कितना वारंटी है? 6 साल या 1,00,000 किलोमीटर की आपको इसमें वारंटी मिल जाएगी। अगर मैं प्राइस की बात करूं गाइस, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है लगभग आपको 1,40,000 तक ऑन रोड मिल जाएगी। ये दूसरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैंने एक्सप्लोर किया, रिवोल्ट RV 400। अभी तीसरे मोटरसाइकिल पे जाते हैं, टॉग मोटर्स की क्रैटोस जो कड़ा टक्कर देने आ चुकी है रिवोल्ट RV 400 को, और ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है इसमें आपको 38 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है, 4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक है, 9 किलोवाट की पिक पावर वाली एक्सियल फ्लक्स PMSM इसमें मोटर है जो बहुत ही बेहतरीन है। इसके जो कलर है उसमें ब्लू कलर, उसके बाद में व्हाइट कलर, रेड कलर,
और आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर। दिखने के लिए रिवोल्ट आरवी 400 से बहुत ही बेहतर है क्रैटोस आर। इसमें आपको मिल जाता है 180 किलोमीटर का आईडीसी रेंज, मतलब ट्रू रेंज लगभग 150 किलोमीटर का मिल जाएगा। टॉप स्पीड है 105 के एमपीएच का और ये 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो ये तीसरा और सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। पहला ग्रेवटॉन क्वांटा मैंने एक्सप्लेन किया, फिर रिवोल्ट आरवी 400 एक्सप्लेन किया, फिर अभी टॉक मोटर्स का क्रैटोस एक्सप्लेन किया। ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है इसकी एक खासियत है, इसमें एक्सियल फ्लक्स मोटर है PMSM जो 9 किलोवाट पीक पावर वाला है। जो पावर बैटरी है वो IP67 रेटेड है, बहुत ही बेहतरीन बैटरी पैक है। और इसका अगर आप चासीज देखते हो तो कंप्लीटली मेड इन इंडिया इसका चासीज है। इसमें दो वर्जन आ जाते हैं, क्रैटोस और क्रैटोस आर। दोनों के जो कलर्स है वो सेम है, खाली इनमें जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिकेशन का है। जैसे क्रैटोस आर 105 का टॉप स्पीड है और 180 किलोमीटर का रेंज है, क्रैटोस का 100 का टॉप स्पीड है और लगभग सेम रेंज है। अगर मैं फुल स्पेक्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको फुल स्पेक्स भी इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोलूं इसका प्राइस, तो पुणे में इसका अगर आप प्राइस देखते हो तो एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,37,500 है क्रैटोस आर का, और क्रैटोस का 1,22,000 है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। आप यहां से प्राइसिंग सिटी चेंज करके चेंज भी कर सकते हो। अभी जाते हैं चौथे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे। गाइज, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में रोज नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फोर व्हीलर्स, बाइक्स आ रहे हैं और उसमें ओबेन रोर एक अलग तरीके का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सामने आ रहा है, जिसमें आपको 100 केएमपीएच का टॉप स्पीड मिल जाता है, 200 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, मतलब लगभग इसकी ट्रू रेंज हो सकती है 170 टू 180 किलोमीटर। मैंने आपको ग्रेवटॉन क्वांटा एक्सप्लेन किया जिसका रेंज लगभग 160 है, रिवोल्ट आरवी 400 एक्सप्लेन किया जिसका 150 है, क्रैटोस आर का लगभग 180 है और ओबेन रोर का लगभग 200 किलोमीटर का रेंज है। इसका जो बुकिंग है ये 2 जुलाई को चालू हो चुका है। इसको आप कहां पे भी चार्ज कर सकते हो, इनके डेडिकेटेड चार्जर्स भी अवेलेबल है और लुक्स में ये क्रैटोस को भी पीछे डाल देता है और पीछे डाल देता है रिवोल्ट आरवी 400 को। बहुत ही बेहतरीन ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इसमें आपको बैटरी की 3 साल वारंटी, मोटर की 3 साल वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है 3 साल के लिए। 60,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी वैलिड है। तो ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में अवेलेबल है और आप इसको बुक कर सकते हो। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो यहां पे क्लियरली प्राइसिंग मेंशन किया है। लेट मी शो यू प्राइसिंग गाइस। आप अगर देखो तो महाराष्ट्र में 1,25,000 एक शोरूम प्राइस है, दिल्ली में 1,02,000, गुजरात में 1,04,000, राजस्थान में 1,14,000, ये लगभग इनके प्राइजेस है। तो सब जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसकी प्राइसिंग 1.5 लाख के नीचे है। गाइज, ये वीडियो कैसा लग रहा है और आगे जाके देखिएगा, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 4 टॉप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स मैंने बताए, पहले ग्रेवटॉन क्वांटा, फिर रिवोल्ट आरवी 400, फिर टॉक मोटर्स का क्रैटोस और फिर ओबेन रोअर। अभी जाते हैं कबीरा मोबिलिटी पे। कबीरा मोबिलिटी का KM3000 ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, एक स्पोर्ट बाइक जैसा दिखता है, जिसमें आपको 100 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल जाता है और 120 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 1,22,000 इसका एक शोरूम प्राइस है और जब मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूं तो इसके और भी डिटेल्स मिल जाते हैं। गाइज, कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक, एक पेट्रोल इलेक्ट्रिक पेट्रोल मोटरसाइकिल का जैसा दिखने वाला है इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हो। आप इसके परफॉर्मेंस देखो, इसके डिटेल्स देखो, स्पेसिफिकेशंस देखो, लुक्स देखो, एक से बढ़कर एक है। तो ये जो है 3.6 सेकंड में 0 to 40 अचीव कर देगा, 4 किलोवाट पिक पावर वाइज का मोटर है, 120 किलोमीटर का इसका रेंज है। और अगर बात करें चासीज की तो बहुत ही बेहतरीन चासीज इंडिया में इनकी बनती है। परफॉर्मेंस के अगर बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा पीएमएसएम मोटर, सॉरी बीएलडीसी मोटर पिछले पहिए में इसके बैठ जाता है। डेल्टा ईवी बीएलडीसी मोटर है, 4 किलोवाट का एरोडायनेमिक डिजाइन है। बैटरी की बात करें तो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक इसमें है, जो बहुत ही अच्छा खासा वारंटी आपको दिला देता है। अगर मैं बात करूं तो फायर प्रूफ लिथियम फेरोफॉस्फेट जिसमें बैटरी पैक आ जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। गाइस, फायर प्रूफ आ रहा है। डिजाइन के बारे में बात करें, लुक्स के बारे में बात करें तो ये पिछले चारों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पीछे डाल देता है। और इसकी प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बोल ली, 1,22,000 एक्स शोरूम इसका प्राइस है, 120 किलोमीटर का रेंज है। गाइज, 5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैंने एक्सप्लेन किए, लास्ट 3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बाकी है। आप कौन सा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इनमें से चूज करोगे आपको नीचे वो कमेंट सेक्शन में डालना है। देखते हैं किस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लोग ज्यादा चाहते हैं। नेक्स्ट है गाइज, हॉप मोटर का ऑक्सो। हॉप मोटर का ऑक्सो ये जो है ये 1,40,000
एक्स शोरूम प्राइस के साथ चालू हो जाता है। इसका प्री बुकिंग का प्राइस है 1000 रुपीज, 95 kmph का टॉप स्पीड है, 150 किलोमीटर का रेंज है। और गाइज ये भी एक बहुत ही बेहतरीन लगभग पेट्रोल स्कूटर जैसा दिखने वाला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। 1,40,000 में आपको एक शोरूम मिला है, मतलब लगभग ऑन रोड प्राइस इसका 1.5 लाख होगा। और इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिलता है, जैसे मैग्नेटिक ब्लू है, इलेक्ट्रिक येल्लो है, ट्रू ब्लैक है और कैंडी रेड है। दिखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको देखो, आप पूरा इसका 360 डिग्री व्यू इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ये भी आप ले सकते हो 1,40,000 में, और इसका ग्रेडेबिलिटी भी बेहतरीन है, और इसके लुक्स, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स बाकी सारे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को कड़ा टक्कर देते हैं। जैसे वाटरप्रूफ है, IP67 रेटेड इसका बैटरी पैक है, और अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी वाइज हर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर में अभी आपको ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप इसको घर में चार्ज कर सकते हो, पार्किंग में चार्ज कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ये 2 वर्जन में आता है, एक बेस वर्जन है और टॉप वर्जन। टॉप वर्जन की बात करें तो 150 किलोमीटर का रेंज है, 100 किलोमीटर का टॉप स्पीड है। अगर बात करूं ट्रू रेंज, अगर वो ट्रू रेंज 150 किलोमीटर का दे रहा है, अगर आप पावर मोड में चलाओ तो 100 किलोमीटर की दे रहा है, और अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाओ तो 70 किलोमीटर का ट्रू रेंज इसमें मिल जाता है। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और अगर बात करूं तो 6.2 किलोवाट पीक पावर वाला इसमें मोटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो चुके हैं लुक्स में, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, आप कौन सा लोगे नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। नेक्स्ट है गाइज, कौन सा है, वन इलेक्ट्रिक का क्रीडन जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, लगभग आपको दिख जाता है जो आपने विंटेज पेट्रोल बाइक्स थे उसके जैसा। 95 kmph का टॉप स्पीड है, 110 किलोमीटर का रेंज है। इको मोड में एक्सेलरेशन 0 to 60 8 सेकंड्स में अचीव करेगा। टॉर्क जो है 160 न्यूटन मीटर का है, और 5.5 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर है। लिथियम आयन बैटरी पैक 3 किलोवाट का मिल जाता है, और 17 इंच का इसका फ्रंट व्हील है, 16 इंच का रेयर व्हील है। बहुत ही बेहतरीन ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको दिख रहा है, एकदम विंटेज जैसा हमारा RX 400 था ना, उसके जैसा दिखने वाला ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। और अगर हम बात करें गाइज इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो कहां पे भी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया कि इसकी प्राइस क्या है। अगर मैं बुक भी करना चाहता हूं तो यहां पे मुझे नहीं दिख रहा है कैसे मैं बुक करूं। तो ये क्रीडन वन इलेक्ट्रिक को मेंशन करना पड़ेगा कि उनका एक्चुअल प्राइस क्या है, वो कितने में बेचना चाहते हैं, अगर मुझे लेना है तो मैं कैसे लूं। तो ये बन गया 7वां इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, और लास्ट कोमाकी का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, कोमाकी MS। गाइज ये थोड़ा रोबोट जैसा दिखता है, 100 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है इसमें, 85 kmph का इसमें जो बैटरी है, जो एक्चुअल आपको रेंज देगा मिनिमम 85 का, मैक्सिमम रेंज 100 का दे देगा। और दिखने के लिए आप देखो बहुत ही बेहतरीन ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसमें आपको स्पेशल एडिशन मिल जाती है, नाइट्रोफिल्ड शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, हाई ग्रिप के टायर्स मिल जाते हैं, और डिटैचेबल बैटरी पैक मिल जाता है जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर बात करें ब्रेक्स की, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आगे पीछे। कोमाकी एक बड़ा ब्रांड है, साउथ इंडिया में बनता है, और अगर बोलूं तो लुक्स वाइज ये भी बाकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को कड़ा टक्कर देगा। तो ये एक्सट्रीम एजिलिटी वाला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इन्होंने भी मेंशन नहीं किया है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। बट आई होप मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बताया उसमें आपको ग्रेवटॉन मोटर्स का क्वांटा, जो मैंने पहले बताया क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी कल चुका है, आप इसका एक्सपांडेबल रेंज 320 किलोमीटर तक ले सकते हो। रिवोल्ट आरवी 400 150 किलोमीटर का आईडीसी रेंज है। टॉक मोटर्स का क्रेटोस 180 किलोमीटर का आईडीसी रेंज है, दिखने के लिए बहुत ही बेहतरीन। ओपेन रोर 200 किलोमीटर का इसमें आईडीसी रेंज है। KM 3000 जो कबीरा का है, उसमें आपको 120 किलोमीटर का रेंज दिख रहा है, कंप्लीटली स्पोर्ट्स बाइक है। अगर बात करूं आपको ऑक्सो के 2 मॉडल्स है, एक में आपको 150 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल रहा है, और जो लोअर मॉडल है उसमें 135 किलोमीटर का मिल रहा है। वन इलेक्ट्रिक का क्रीडन जो है उसमें आपको करीबन 95 kmph का टॉप स्पीड और 110 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। और लास्ट कोमा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसमें आपको लगभग मिल जाएगा कितना, 100 किलोमीटर का ट्रू रेंज। यस दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैंने आपको 8 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक्सप्लेन किए। आई होप इनमें से कौन सा तो भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।